JMDDN एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये ऑपरेटर के लिए भी काम की है, सेटर के लिए भी काम की है, इंस्पेक्टर के लिए भी काम की है, प्रोग्रामर के लिए भी काम की है, ओवरऑल लैब के लिए भी काम की है। तो वीडियो का नाम है इंस्ट्रूमेंट एंड गेज हैंडलिंग। तो इंस्ट्रूमेंट और गेज की हैंडलिंग कैसे करनी है। तो इंस्ट्रूमेंट कोई सस्ते तो होते नहीं, काफी कॉस्टली होते हैं इंस्ट्रूमेंट, और गेजेस भी कोई सस्ते नहीं होते, कॉस्टली होते। इसके अलावा इनकी हैंडलिंग प्रॉपर ना होने की वजह से, इनमें एरर आने की वजह से काफी सारा माल भी खराब बन सकता है, प्रोडक्शन आपकी खराब हो सकती है, क्योंकि रिजेक्शन बन सकती है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेटेड होने चाहिए और इनकी हैंडलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। वर्नियर है, वर्नियर को हमेशा उठाते हुए प्यार से उठाना है, और वर्नियर को हमेशा बॉक्स के अंदर रखना है। किसी भी पार्ट आपका या उसके भिड़ाना नहीं है। इसके इनर जॉ होते हैं जो आईडी चेंज करने के लिए, आईडी चेक करने के लिए यूज करते हैं, या एक्सटर्नल ओडी चेक करने के लिए जॉ होते हैं, तो उनके ऊपर कहीं भी चोट ना आए, या कहीं भी उनके अंदर डेंट लग गया, कुछ और हो गया, भिड़ गया आपस में, तो क्या हो जाएगा, आपका साइज भी खराब बताएगा और कोई इतनी कॉस्टली चीज भी आपकी खराब हो जाएगी। वर्नियर के अलावा आपका माइक्रोमीटर है, इसको भी आपको बॉक्स के अंदर रखना है। अगर ये आपस में भिड़ेगा तो स्पेंडल बेंड हो जाएगी इसकी। माइक्रोमीटर की सबसे ज्यादा स्पेंडल बेंड हो जाती है, या रेचिट खराब हो जाती है, एरर आ जाता है। एरर आ गया तो आपका साइज जो मांगा वो कुछ और ही बना दोगे चेक करके आप उससे, इसलिए माइक्रोमीटर की हैंडलिंग। इसके अलावा आपके डायल है, प्लंजर डायल है, पप्पी डायल है, इनकी हैंडलिंग तो बहुत ही केयर से करनी चाहिए, क्योंकि इनकी सुई हल्की सी भी हिल गई। इसके अलावा इनकी एक प्रेशर वाली सुई होती है नीचे, वो हिल गई तो कुछ और ही बन सकता है। इसलिए डायल गेज है, इसकी हैंडलिंग है। इसके अलावा आपका हाइट गेज है, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट है उनके हैंडलिंग इस हिसाब से करो ताकि उनको प्रॉपर बॉक्स के अंदर रखो, प्रॉपर स्पेस के अंदर रखो। किसी भी पार्ट के ऊपर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आप अपना पार्ट मत रखो। ऐसे हमारा गेजेज है, प्लग गेजेज है, प्लग गेजेज के अंदर कहीं भी डेंट लग गया, आप आईडी चेक कर रहे हो तो उसके अंदर पूरी आईडी के अंदर स्क्रैच मार देगा। इसलिए गेज की हैंडलिंग प्रॉपरली आप फोम रखो या आप एक कपड़ा रखो, उसके ऊपर जचा के रखो, और आपस में एक गेज दूसरे गेज के न भिड़े और न ही आपका गेज किसी पार्ट के टच हो। ऐसा ही आपका स्नैप गेज है, या स्पेशल गेज होते हैं, फ्लैश पिन गेज होते हैं, और फ्लैश पिन गेज तो इतना इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा इसको उल्टा रखना चाहिए, क्योंकि फ्लैश पिन गेज के अंदर क्या होता है, एक डाया के ऊपर बट होता है और ऊपर से चेक होता है, अगर वहां पर हल्का सा भी अगर इसका कॉर्नर वियर हो गया या कॉर्नर पर डेंट लग गया तो आपकी फ्लैश पिन की जो लेंथ होती है चेकी वो कुछ और ही बताएगा। इसके अलावा आपकी रिंग गेजेज होती है, टेपर रिंग गेजेज होती है, तो ये तो और ही ज्यादा कॉस्टली होती है, और ये बनानी भी काफी टाइम लग जाता है बनाने में, क्योंकि इनकी जो टॉलरेंस होती है वो मिंट के अंदर होती है, डिग्री की टॉलरेंस टेपर की होती है वो, तो इसलिए इसके अंदर अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर डेंट लग गया जो आप लेंथ चेक कर रहे हो वो कुछ और ही बताएगी। इसलिए इनके हैंडलिंग के अंदर तो बहुत ही ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए हमें। गेज को प्रॉपरली एक स्थान के ऊपर होना चाहिए, उसके आपस में कुछ भिड़ना नहीं चाहिए। गेजेस को जो रिंग गेजेज है या आपका टेप गेज है, टीपीजी है, टेप प्लग गेज, या टीआरजी है, थ्रेड रिंग गेज है, ये दो गेजेज और रिंग गेजेज, टेपर रिंग गेजेज, ये गेजेज तो हमेशा बॉक्स के अंदर रखनी चाहिए। ओपन में रखेंगे तो रिंग गेज है, टेप गेज है, उनकी थ्रेड खराब हो जाएगी और जो आपका ये डेंट लग जाएंगे, साइज कुछ और बताएंगे। इसलिए गेजेज की हैंडलिंग बहुत ही प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए।